देख लिए, कितने जवान हो गए? जवान देखने के बाद क्या कहना रहेगा फिल्म के बारे में? वन वर्ड, ब्लॉकबस्टर, कैपिटल लेटर, जवान बहुत अच्छा है एज ऑलवेज। अभी शाहरुख खान जी का कमबैक है आफ्टर 5 ईयर्स, पठान के बाद इस मूवी में दम था। बहुत ज़बरदस्त मूवी थी, बहुत ज़बरदस्त। एसआरके का रिकॉर्ड एसआरके ही तोड़ सकते हैं, ऐसा कहना गलत होगा? ये तो एकदम सच्ची बात बोले आपने, उनका रिकॉर्ड वही तोड़ सकते हैं। आज ओपनिंग से मालूम पड़ जाएगा, वैसे भी ओपनिंग का फिगर आने वाला है आज तो। और फर्स्ट टाइम गेटी में 6 AM का शो लगा तो और बड़ी बात हो चुकी है। मूवी एज वेल एज एक्चुअली मैं एटली के सब मूवी देख चुका हूँ, तो मुझे थोड़ी सी मर्सल की फीलिंग हो रही थी, क्योंकि बाप बेटे का जो एंगल था बिगिल, हाँ उससे, क्योंकि एटली के हो सकते मुझे थोड़ा थोड़ा निराशा हुई, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा चेंज होएगा। लेकिन क्लाइमैक्स ने मेरा पैसा वसूल कर दिया। क्लाइमैक्स बहुत ज़बरदस्त था, एक नंबर। मतलब क्लाइमैक्स देख के ही वो सारी बातें ख़त्म हो चुकी थी। क्लाइमैक्स का एक्शन जबरदस्त था, जब शाहरुख खान दो डबल रोल था और विजय सेतुपति एज वेल एज उनका भी रोल एक्शन के साथ जबरदस्त था। मूवी एक स्टोरी सोशल रिलेटिव है पूरी, कि आजकल हमारे इंडिया में या क्या क्या हो रहा है वो सब पे एक बेस है, क्योंकि एटली उनके मूवी में ज़्यादातर सोशल मैसेज ही ज़्यादा ही रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है उनके मूवी में। और जो सोशल मैसेज दिखाया वो हार्ड हिटिंग था। जिस तरीके से हम देखते हैं कि अभी आपने विजय सेतुपति का नाम लिया, बाकी इसमें नयनतारा है, दीपिका पादुकोण है, तो एसआरके विद दीपिका और एसआरके विद नयनतारा, एसआरके विद नयनतारा, क्योंकि दीपिका का रोल बहुत ही कैमियो ही था एज वेल एज, लेकिन नयनतारा के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। नयनतारा भी अच्छी लग रही थी उनके साथ, एक ऐसा लग रहा था कि हाँ हाँ ये दोनों भी जवान है। बाकी सारी चीज़ें फिल्म के कैसे बैकग्राउंड स्कोर दिए थे? अनिरुद्ध नहीं, अनिरुद्ध का मुझे एक डाउट है कि अनिरुद्ध ने जो उनके साउथ की मूवी थे उनके बैकग्राउंड वो बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं एक्चुअली, इसकी भी बनाए, लेकिन जो शाहरुख खान का आई एम किंग खान विद वो जो है वो अच्छा था। बाकी ज़रा मूवी में थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा और डालना चाहिए था, हाँ क्लाइमैक्स में अच्छा था, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन अनिरुद्ध का जो टच था वो नहीं था। बाकी VFX एक्शन काफ़ी सारी VFX भी ज़बरदस्त था, एक नंबर VFX था, हेलीकॉप्टर के शॉट हो या आगे के शॉट हो सब सब अच्छे थे, और एक्शन वाइज मूवी कमाल थी। ज़बरदस्त फैमिली मूवी है, पब्लिक को यही चाहिए, मास मसाला, मास मूवी एकदम मसाला। स्टार्ट जैसे होती मेट्रो से स्टार्ट होती है और लास्ट एंड कैमियो पे होती ख़त्म, जो शाहरुख खान के गाने पे भाई हुक आपको बांधे रखेगी मूवी। फुल सेट सारा भाई, तो फुल सेट आइटम आइटम को लाना नहीं, दोस्तों के साथ देखो, कुछ करने में मजा नहीं आएगा। अच्छा क्या सबसे ज्यादा एंजॉय किया फिल्म में आपने? डबल रोल शाहरुख और कौन है यार, कोई नहीं, बाकी सब पानी कम चाय था। इसके पहले भी शाहरुख खान ने डबल रोल किया था डुप्लीकेट फिल्म में, इसमें ज्यादा सेक्स आ रहा ना, उसमें कम सेक्स आ रहा, इसमें ज्यादा सेक्स आ रहा, मतलब बोले तो मजा आ रहा। अच्छा अच्छा एक और सवाल रहेगा, बाप अच्छा था बेटा अच्छा था? मेरे को तो बाप में मजा आ रहा, बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है। एक्शन वगैरह कितना तगड़ा था? एक्शन एकदम मजबूत, मैं तो मैं चलो जाके यूज करूंगी। हाँ कपड़े वपड़े तो यूज करने का, वो बात अलग है, अपने हाथ पैरों में मोच आ जाएगी। एक बार डायलॉग हो जाए फिल्म का, वो डायलॉग होता है बेटा बेटा, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। सुपर हिट भाई, सुपर हिट। क्या बेस्ट लगा फिल्म में? कुछ मत देखो, खाली एक्टिंग देखो शाहरुख खान, धमाल, चार पांच परफॉर्मेंस अकेला ने किया, मानना पड़ेगा। इसके पहले पठान फिल्म आई थी, उसमें 1000 करोड़ की कमाई की थी, इसमें भी कितने करोड़? कर देंगे 1000 होएगा भाई, 1000 होएगा, 1000 से कम भी हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोलूंगा, पार भी हो सकते हैं क्या। अच्छा इसमें दो हीरोइन बताई गई है, एसआरके विद दीपिका और एसआरके विद नयनतारा, कौन सबसे बेस्ट थी जोड़ी? सही बोलूं, थोड़ा सा सीन बताया इसका दीपिका का, लेकिन फाड़ दिया। नयनतारा पूरी पिक्चर में, लेकिन मास मसाला कैसा अटली जो डायरेक्टर है, एक्टिंग देखो शाहरुख खान की, एक्टिंग देखो भाई, और कुछ बस एक्टिंग देखो उसकी, परफॉर्मेंस इसका लगा पूरा, अमिताभ बच्चन था ना वो पिक्चर में आखिरी रास्ता, सेम टू सेम वही थी। इसके पहले हमने शाहरुख खान को एक्शन करते हुए देखा है मैं हूं ना फिल्म में, डॉन 1 में, डॉन 2 में, इसमें कितना बेहतरीन तरीके से, सबसे पावरफुल बैक। ओके
अभी तक परफॉर्मेंस ऐसा नहीं करा उसने एक्शन वाला, जिससे जो ये करा ना सीट पे से उठने को दिल कर। अच्छा, इसके जो डायरेक्टर है किस तरीके से शाहरुख खान को इस्तेमाल किया, किस तरीके से प्रेजेंट किया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी, उसको एक्टिंग भी बराबर दी, उनको साउंड भी बराबर दिया, जो आवाज उसने निकाली ना बहुत खतरनाक, अपरिचित हिंदुस्तानी। ओके ओके, बाप अच्छा था बेटा, बाप 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 में ज्यादा था बाप, मतलब सहमत करते आप बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात करो, बाप से बात सहमत करते बाप से बात करो, क्या बात, बाप कड़क था, बाप बहुत कड़क था। क्या आई थिंक नो ओके कूल, नो प्रॉब्लम, नाइस टू मीट यू फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव सॉ द जवान, हाउ वाज एक्सपीरियंस? नाइस सर, वेरी नाइस। व्हाट डू यू एंजॉयड द मोस्ट? एंजॉय मोस्ट इज SRK दबाजो। एक्शन वगैरह क्या फिल्म का? वो सुपर्ब एक्शन, मतलब बाकी सारी चीजें, हीरोइन का काम वो एकदम मस्त किया। लोगों को पसंद आएगी मतलब। हाँ, व्हाट्स योर रेटिंग आउट ऑफ 5? 4। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।